Wait. Come on, let's go. Hey! पुरंदर गिर गया वहां पर उसका भी वेलकम टू संदकफू हमारे भाई लोग यहाँ पर धीरे धीरे सब कुछ हर कोई रेडी होता हुआ सो दिस इज डॉर्मेट्री जहाँ पे हमने स्टे की एंड अभी ना गाइस यहाँ से हम आगे की ओर एंट्री करने जा रहे हैं सो टारगेट कहाँ है गाइस टारगेट वो चोटी में ओ द देख दे से बाटू वाली से तेई से टॉप होता है सेकंड यू ओ यू सो गाइस टारगेट यहाँ से हमें नज़र आ रहा है एंड हेयर वी कैन सी रोडोडेंड्रन यानी कि गुरास के फूल बट आपको नहीं दिखा दे रहा होगा अगर हमें ना करीब से दिखा दे मौका मिला तो फिर हम आपको दिखाएंगे सो दिस इज़ काली पोखरी सो व्हाट्स अप पीपल दिस इज अर्जुन हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी ब्लॉगर तो कैसे हो गाइस आप लोग होप कि आप सब अच्छे अच्छे हो रहे ना सो दिस इज द चेक पोस्ट क्या बोलते हो गाइस यहाँ से देखे क्या इसको देखे बताओ या Let's check this out. And this is Kali Pokhari. एक्चुअली कल आते आते शाम हो गई थी आपने भी देखा मौसम काफ़ी चेंजेस चारों तरफ कोहरा कोहरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था हवा तेज हवा तो अभी भी तेज ही है एंड हमने डिसाइड किया कि हम यहीं पे रुकेंगे कहकर एंड या वी आर हियर इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग एंड वी आर ऑल्सो टू लीव फॉर आवर टारगेट मिशन संदकफू सो बाइक को यहीं कहीं हमने पार्क किए जाकर कॉल स्टार्ट करते एंड देन आगे बढ़ते धीरे धीरे गाइज सही बता रहा हूँ मज़ा आ रहा है इस ट्रिप को लेकर एंड कल अगर हम ना ये रास्ता होकर आते तो एडवेंचर तो होता बट स्टिल इट्स आई थिंक बेटर होता सो गाइस कल ना आपको काल पोखरी दिखाना नहीं हुआ सो दिस इज़ ब्यूटीफुल काल पोखरी एंड कल हम उस भाग से आए वो जो शांति स्तूप आपको दिख रहा है ना वहाँ से आए एंड लाइफ ये ऊपर भी जा सकते हो बट दिस इज़ नेपाल इंडिया के लिए आपको ना यहाँ से ये घूम कर यू टर्न लेकर नीचे की ओर जो नीचे का एक रास्ता जा रहा है दैट्स द इंडिया एंड दिस इज नो मैंस लैंड अब कॉल स्टार्ट करने का वक्त आ चुका है हमारे फोटोग्राफर मिस्टर गुरु ऑल्सो एक्चुअली सो या दिस इज नो मैंस लैंड एंड आगे का सफर कुछ ऐसा ही लैंड में होने को है सो या रात भर हमारा बाइक यहाँ पर एंड एक बार कॉल स्टार्ट कर देते हैं इनको कॉल स्टार्ट करना ज़रूरी है यप ये मारा न्यूट्रल में ये रहा कॉल स्टार्ट एक बार में होता है कि नहीं या नो इश्यू गाइस इनका कैलिबर हमें दिखना था ना गाइस कल दिखा दिए इन्होंने एंड देट बुलेट भाई मेरे काफ़ी तेज हवा एंड देन मज़ा आ रहा है ऐसे बता रहा हूँ गाइस ऑल गुड टू गो हाँ सारे भाई लोग यहाँ पर रेडी हो चुका है पुरंदा अपना मिनी ब्लॉग यहाँ पे करता हुआ एंड गुरुदा दाव भाई एंड राजवंशी सो एंड एक शख्सियत को दिखाने का दिल कर रहा है सिरु आई जा ये देखो गाइस इनका पाँव को चेक करे गाइस मतलब बहुत प्यारा ही है यार अंदर ठीक था हाँ सिरु एंड ये बहुत छुच्चा है गाइस और पता नहीं हमारे साथ कैसे घुल मिला बट कल एक बंदा आया तो उनको पूरा वो कर रहा था काटने का कोशिश कर रहा था ना बड़ा बस सर अच्छा है इसका सो इट सेज दार्जिलिंग 52 किलोमीटर माने भंजिंग 25 एंड बतासु 100 यार सो माने भंजिंग होकर आता ना तो यार ये रूट हम होते सो दिस इज काल पोखरी एंड सनराइज ऑलरेडी हो चुका है हमारा भाई यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट कर दिए सो ये चीज़ ना बहुत देखने को मिलेगा आपको जगह जगह पर ऑन द वे टू संदकफू आप नेपाल से हो या इंडिया से हो आई मीन नेपाल से आते हो या इंडिया से आते हो
कोई गल नहीं, आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऑल गुड टू गो, ऑल गुड टू गो। So yeah, it's 6:16 in the morning, 6 degree Celsius. 3836 kilometer door chuka hai. Guys, ye check kare. Hum bas pani pi kar hi chal rahe hain. And mera right hand side par jo dikh raha hai na guys, that's all our India. And abhi hum नेपाल के रास्ते फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। गलती से भी अगर हम इंडिया के जोन में एंटर हुए एंड हमें पकड़ा, हाँ, फोर व्हीलर तो परफेक्ट होता है। या दिस इज इतना डर आया था। सो या ग्लोब्स को निकाल दी, ठंड को मारो गोली, वैसे गर्मी तो ये रास्ता को देखकर ही हो रहा है। या दिस इज गुड रोड चौड़ा, हाँ तरीका, हाँ क्यों बने। ओ टूरिस्ट टैक्स नेपाली 20 NC, इंडियन 50 IC, 80 NC, फॉरेनर 60। हाँ कोही त छैन, अहिले बरु आउँदा हुन्छ ल, आउँदा मिशन सन्दकफू इट्स 6 किलोमिटर फ्रम हियर, लाइक फ्रम कालपोखरी। एंड बता रहे थे 6 किलोमीटर को कवर करने के लिए ना हमें 2 घंटा लगेंगे। अब लेट्स सी, हम 6:16 को तो निकले। ओ गाड़ी के भएको, बिग्रेको। गाइस ग्लोब्स पेन के नै चला रहे, यस्तै प्लान्ट चाहिँ पोइजनस। या दिस इज अ प्लान्ट कि तिले दे सन्दको त्यसलाई फेमस। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी हम गैप मेंटेन करके जा रहे। एंड ये चेक करें गाइस, ये प्लांट रेड एंड रेड तो ये है ही है, इट्स पिंकिश कलर में, विच लुक्स सो ब्यूटीफुल। एंड उसके अगल बगल में ये प्लांट देखो, ये बहुत ही खूबसूरत, इट्स काइंड ऑफ बेबी पिंक। एंड वो रहा कालपोखरी। दा हमें कति छिटो कवर करें जैसे लगे डिस्टेंस है तो। हाँ लास्ट का जो फेस है ना गाइस, वो टफ है क्योंकि वो काफ़ी स्टीफ इनक्लाइन चढ़ना पड़ेगा हमें, विच विल मेक द टफेस्ट। गुरा सही फूल्यो बनैमा, सो गाइस उस पार है इंडिया, बट हमें ना नेपाल नेपाल होकर निकलना है। एंड ट्रैकिंग आते हो तो ये स्टेयर्स को फॉलो कर सकते थे। आराम ले आराम ले। ओ भाई मेरे, मॉनसून टाइम के लिए नहीं है गाइस ये रोड। ओ ओ ओ कत्रो ढुंगा है अंत तरीका, हाँ नहीं टारगेट तो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, बस राइड थोड़ा सा यहाँ पे टफ होता है। फुल रेस मामा मामा थेट
फुल रस नहीं होता अंबो ढूंगा चढ़ो ना हिमालयन ढूंगा चढ़ो अंबो बाहर निकलने थे पर क्यों मतलब खुटा ओ अम्मा मामा मामा पर क्यों नहीं है ना तो सर अंत तो था अंत सबसे सबसे उन्हें तो ढूंगा का मार दिया इस तो बारे में चालू और बाइक वाली लौट दियो पक्का लौट दिया मैं लौट ही नहीं सीधा हूँ यार Alright guys, yeah. Full race. Ambo. Guys, and that to pillion. Only the curve must be here. They got no Oh. और तो ठीक है हो जी बाकी सब बढ़िया बट ये कर्व सेक्शन में एंड वो भी जहाँ पर पत्थर मिलते हैं ना या वी कैन गो वी कैन डू इट हम बच्चे हाँ लौटे हो ए जुमते हूँ अब हम ही वाली को लड्यौ ए त्यहाँबाट सिधै बेगाएको रोडको चेक गरे ओ भाइ साहब इंक्लाइन को चेक करे अपना बीस्ट चढ़ेगा भाई मेरे अप द हिल तो ठीक है डाउन द हिल कैसे आएंगे गाइस मंजिल तो बस काफ़ी करीब लग रहा है एंड वी हैव टू कवर दिस पैचेस एंड ऊपर डेढ़ किलोमीटर भन्नु होस् त हामी निकै दा हामी एक घन्टा नभए राम्रो किलो ताने नि इट्स 6:58 इन द मर्निङ एन्ड एक घन्टा हुआ कि नै हामीले ना अच्छा खासै यहाँ पे स्ट्रेज कभर की एन्ड देट टू पिलियन सोलो जो कर रहे वो तो काफ़ी आगे निकल चुके एन्ड अभी का जो स्ट्रेस था वो बहुत ही घातक थी वे अम्बो का ढुंगा कई भन्दैन त अंत ठट्टरी का ऊपर जैसे पहुँचेंगे ना एक चीज़ आपको बताना है एंड वो शायद हम पहली बार कर रहे हैं लाइक पहला बर्थडे हो रहा है एंड
ये रूट हम फॉलो अप करके आगे बढ़ रहे हैं। सो दैट इज़ द संदकफू। अभी लाइक सर्टन मीठा तो नहीं कहूँगा, शायद और एक किलोमीटर होगा क्या यहाँ से, बट इंक्लाइन की ओर चढ़ाई, काफ़ी चढ़ाई यार, काफ़ी ऑफ रोड है। एंड अभी तो क्या कर रहे हैं गुरुदा, हल्का सा पैदल आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ना रोड स्टीफ एंड देन बुलडर्स। बुलडर्स तक तो ठीक है, कल हमने अच्छा खासा बुलडर्स में चलाए, बट जब ये बुलडर्स छोड़ के ये मडी सेक्शन जब आते हैं ना, तो यहाँ पर गाड़ी का जो पावर है ना, वो पावर तो नहीं कहूँगा बट टायर रोलिंग थोड़ा सा वो हो जाता है, लाइक कमजोर, वो ग्रिप नहीं मिलता है। पत्थर में क्या होता है, भगाओ नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट ऐसे मडी सेक्शन में टायर रोलिंग को लेकर थोड़ा सा ग्रिपिंग या ग्रिप अच्छे से नहीं बैठते, तो यहाँ पर थोड़ा सा लैक ऑफ वही पावर कह दो या कुछ भी कहो, बट या ऐसे सोलो नो डाउट नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट ऐसे पिलियन तो गुरुदा को अभी इसलिए पैदल थोड़ा आगे तक जाने के लिए हमने कह दी, या देखना पड़ेगा यार क्या सीन रहेगा। तो या लेट्स मूव, अगर हम सोलो रहना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल विद दिस मशीन। हाँ पिलियन में थोड़ा सा वही मैं बोला ना, ग्रिप नहीं मिल रहा है हमें ऐसे ये मडी वाले सेक्शन पर। हम वो जितना आगे बढ़ना है बढ़ लो, यहाँ पे पिलियन तो होगा ही नहीं, नो चांसेस एट ऑल। निकलो निकलो, वी आर क्लोज टू संदकफू। हम वो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ वेट 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 फक ओ भाई राजा से ओ पुरंदा गिर गया वहां पर, उसका ओ नहीं ये तो धावा है। आराम से आराम से, चल 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 टिभी चढ्दैन हौ फर्कन एक मिनट, यसलाई आउँदैन यसलाई आउँदैन हजुर भाइ, यहाँबाट ढुङ्गा लगाइराख्नुपर्छ पछाडि कि हुन्छ अन्त आम्मा बाटो त थेट्री हाँ मैं वे गिरा हुआ दिखा उसके तेरे को हॉर्न दिया उधर ही रुक बोल के है ना
इधर देख रहा तो स्टॉप से पकड़। नहीं 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 रुको पड़का 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 अलि पड़का सबैलाई आउनु देऊ न छोड दे अलि यतिकै ब्यालेन्स गरेर बस पड़का ल आमा छेट दि टफेस्ट इंक्लाइन को पार करने का वक्त आ चुका है। दो भाई पार कर चुके हैं एंड अभी हमारे पुरंदर हम बचे हैं। सो ये हटे कम ऑन 450 You can do it. Yeah, bro! Win it! भाई मेरे हम आना तो जाना और फटेगी हमारा बट वही 450 कोई दिक्कत नहीं। कमान फ्रेंड कमान Come on! You can do it! Go! Tough is you. Final call. ये रहा आखिरी पड़ाव जो हमें कवर करना था एंड हमने कर दिया। या लेट्स गो ब्रो चल दे गाड़ी आओ सर ए या लेट्स गो विद पिलिन एंड फर्स्ट पिलिन राइडर टू रीच संदकफू हिमालयन में आयो अम्बो आइपुगे नहीं होता फाइनली तो उसलाई काट्दै है या कुन चाहिँ टर्निङ या वी हेभ रिच सिधा Alright guys, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Sandakfu! Woo! Oh my god! Wait, 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 wait.
our hard work. Woo! Woo! Where did that? Hey Guru da. Manish ke Vinish ke bhai. Cheers to our hard work and dedication. Yeah. Finally, yeah, this is I think sunrise. The first pillion rider to reach Sandakfu in Himalayan 450, and that too Guru and Desi. Guys, yeah, mehnat rang laya and finally we are here in Sandakfu. No, this is Sandakpur. Oh, okay. Nepal. That is Sandakpur. Okay, we are Nepal, so it says Sandakpur and India. हमारे देश में कहते हैं संदकफू एंड दिस इज़ द बाउंड्री लाइन. जो ये फैंसिन आपको दिख रहा है ना, ये इसके उस पार भारत माता की जय. एंड प्रिवेंशन इज मोर वैल्यूएबल देन करेक्शन. PWD दार्जिलिंग. सो पिछले पास जब आए थे तो हम इसी होटल में रुके थे, बट तब वहाँ से यहाँ का सीन ना गाइस बहुत ही अलग था. ड्रास्टिक चेंज यहाँ पे मुझे देखने को मिला. तब पूरा ये एरिया स्नो कवर्ड था एंड अब ये पूरा एरिया ड्राई है. यार मतलब क्या ही बताओ यार, मतलब जो भी बोलो. वी डिड इट. सो फूड एंड व्हील, जो होम स्टे में हम रुके थे ना गाइस, उन होम स्टे का ऑनर का ये फूड एंड व्हील एंड मारुति गाइस इस लेवल पर देखा थी हजार पी 12,000. सो 12,000 फीट अबव द सी लेवल पर मारुति वैन. या क्या ये क्या कर रहे थे? अरे दे उसको भाई मेरे. मारुति इन संदकफू एंड ये चक्कर है दार्जिलिंग 58 किलोमीटर, माने भंजंग 31 किलोमीटर एंड बीके भंजंग 03 किलोमीटर. सो ओमनी वैन हियर गाइज, जो कोई भी अगर सोचता है ओमनी वैन पहाड़ नहीं चढ़ता है तो उनके लिए एग्जाम्पल है. हेयर इज ओमनी, वो भी 12,000 फिट अबव द सी लेवल. एंड व्हाट वी डिड इज लाइक मजा ए कति घंटा कति बजे वॉट्स द टाइम अंत हम कति घंटा में गए 6:16 में हम हिड़े थे. इट्स 8 यानी कि नॉट इवन 2 आवर आज रोके. इफ नॉट हमी सिंगल पिलियन राइडिंग डेढ़ घंटा मैक्सिमम डेढ़ घंटा त्यहाँ हामी निकै टाइम स्पेन्ड गर्थ्यौँ. हामीले नै डेढ घन्टा गऱ्यो दा साहेब. किन 2 घन्टा अहिले पनि भएको छैन, अझै भएको छैन. सो या वेलकम टु इन्डिया गाइज, वी आर हियर इन इन्डिया. मेरा भारत महान. या ट्रेकर हट्स यही होला त, यही जस्तो लाग्यो मलाई. सो एक्चुअली ट्रेकर हट्समै जाना है, ब्रेकफास्ट गर्न है, क्योंकि ना कल हमने वादा की थी कि शाम तक हम पहुँचेंगे कहकर. अब उनका भी बुकिंग रहता है ना गाइस, है कि नहीं बोलो तो. अब दिन में बुकिंग आया होगा, क्या पता फिर हम लोग के लिए छोड़ा होगा, तो उनको कहना है कुछ. एंड कल मैसेज तो हमने पास कर दी थी, बट अब मिल के जाने में बेहतर होगा. एल्युमिनियम बॉडी एंड जिससे एरोप्लेन बनते गाइस. सो दिस इज लैंड रोवर, इंग्लैंड रोवर 1954. ओ माय गॉड, यो है तरिका इंग्लैंड रोवर कुन सांग लमु WB-77 इंग्लैंड बड़े एक्सपोर्ट भएको दाइ. ब्रिटिसले छोडेको गाडी ए ब्रिटिसले चाहिँ छोडेको गाडी थेट तरिका चढौँ त एक बार म यहाँ. तो ये रहा हमारा 1954 का लैंड रोवर. एंड हम पो कसरी चढ्छ. सो या यो हावा सररर 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 गर्दै छ, ये बादल लुकी छुपी लुकी छुपी लुकी छुपी गर्दै छ. वैसे अभी ना बाइक को हमने ये डिसाइड किया कि यहीं पे छोड़ेंगे. मैं लैंड रोवर को चढ़ाऊंगा चलाऊंगा एंड मेरा जो ग्रुप है वो पीछे बैठेगा. हम चलाते चलाते सीख जाएंगे, ऊपर भी चले जाएंगे. शॉर्टकट रास्ता. सो ये गाइस ये रहा स्टेयरिंग एंड ये रहा फ्रंट व्यू एंड ये रहा गियर. गियर भी 1, 2, 3 चार ही गियर है एंड देन दिस इज आई थिंक 4 व्हील का. सो उसको चेक करो गाइस, वो क्या बोलते थे क्लच एंड ब्रेक को. भाई मेरे कैसा है रे, बहुत ही एंटिक पीस है ये गाइस. यार रीच द सनराइज व्यू पॉइंट एंड यहाँ से जो नज़ारा देख रहा है ना गाइस 360 व्यू में, ये गजब का है गाइस. इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट व्हाट वी हैव डन टुडे. एंड ये चेक करें गाइस 360. एंड यार मतलब क्या बोलूँ, धुंधला पना है यहाँ पर. अगर आपको ना क्लियर व्यू के साथ कंचनजंगा का व्यू चाहिए होता ना, तो आई प्रेफर यू टू बी हियर बाई अक्टूबर नवंबर एंड देन
मार्च अप्रैल त अभी यार मतलब या फेब्रुअरी मार्च आल्सो गुड वेदर कि तर अब त्यो या वी डोन्ट नो नि यस्तो भइदियो अब इट्स आवर बैड लक क्या कर रहे अक्टूबर नवंबर तो परफेक्ट अक्टूबर नवंबर में अगर यहां पे ना व्यू देखने को मिलता कंचनजंगा तो गजब का दिखता है रे बॉय मेमोरी तो चलो गाइस अब यहां से फिर निकलने का वक्त आ चुका है टुवर्ड्स काल पोखरी एंड लगेज तो वहीं पे हमारा तो लगेज को माउंट डाउन करके फिर से दूसरा रूट होकर आगे बढ़ेंगे तो ये चक्कर गाइस जो सफ़े सफ़े दिख रहे हैं ना दिस इज़ द रोड जो भी हमें फॉलोअप करना है एंड यहां पे अभी काफ़ी सारे होम स्टे या लॉज वगैरह बंद रहे एंड ये बनने पर बहुत बढ़िया सो पाइन ट्री गजब 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 मतलब खूबसूरत गाइस या क्या कहते हो ओह माय गॉड आई एम लविंग